कवरेज न्यूज 18 इंडिया पर जारी है उस मेगा रोड शो की जिसकी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली हुई है। ये पीछे की जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, दरअसल ये वही तस्वीर है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो की शुरुआत की थी। और अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भव्य रोड शो चल रहा है जिसका इंतजार बहुत दिनों से किया जा रहा था। और जहां तक आप नजर डालेंगे, देखिए सड़क के दोनों तरफ जो है कार्यकर्ता मौजूद है, फूलों से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। सिर्फ मोदी मोदी के नारे नहीं लग रहे हैं, इस बार जय श्री राम के नारे, बजरंग बली की जय, इन तमाम नारों से जो है शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो, जनसभा, रैली, सब चीज की जा रही है। क्योंकि इस बार के मुद्दे जो हैं वो बहुत अलग हो जाते हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से जो कर्नाटक की संस्कृति है उसकी हर झलक जो है वो बैंगलोर की सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। मेरे पीछे आप ये महिला कार्यकर्ता कह लीजिए, एक महिला मोर्चा जो है वो नजर आ रहा है। सबसे पहले उनसे समझ लेते हैं, आज पीएम यहाँ पहुंचे, कितनी खुशी हुई आप लोग? कनाडा मैडम, पीएम यहाँ पर पहुंचे थे, कितनी खुशी हुई आप लोग? कनाडा मैडम, कितनी नहीं खुश है ना, बहुत खुश है ना, बहुत खुश। मोदी जी को देखा थे, मोदी जी तो बहुत खुश हो रहे हैं। मोदी 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 मोदी। देखिए ये बहुत छोटा सा बच्चा है अभी, हालांकि वोट डालने लायक नहीं पहुंचा है। मोदी जी को देखा आपने? देखा। कैसे लग रहे थे? अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं मोदी जी, अच्छे लगते हैं आपको? क्यों अच्छे लगते हैं? बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, तो मोदी जी बहुत सुंदर है, इसीलिए इस बच्चे को मोदी जी बहुत पसंद है। 100 साल रुकना इंडिया में, मोदी जी 100 साल रुकना इंडिया में, मेरा मेरा वॉइस में, मेरा लाइफ में 10 साल मोदी जी को देगा। तो देखिए कुछ ऐसे ही कार्यकर्ता जो है, कुछ ऐसे ही समर्थक जो है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर मोदी जी को देखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 13 तारीख को पता चलेगा, 10 तारीख को सभी किस किस्मत, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जेडीएस, जितने जो तमाम लोग हैं उन सभी की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन 13 तारीख को पता चलेगा कि आखिर ये कर्नाटक की जो जनता है इसने आखिर किसको अपने दिल में जगह दी है। क्योंकि आप ये समझिए, देखिए जो तस्वीर आप अपने रोड शो की देख पा रहे हैं, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो भव्य रोड शो चल रहा है जिसकी एक एक तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से तालियों से स्वागत जो है किया जा रहा है। रोड के दोनों तरफ जो है जनता मौजूद है, जहां पर आप तस्वीर जिस तस्वीर पर आप नजर डालेंगे, देखिए किस तरीके से ये जो शोरगुल आपको सुनाई दे रहा है, मोदी मोदी के नारे जो है जो आपको सुनाई दे रहा है। यतेंद्र मेरे साथ मौजूद है, अरुण मेरे साथ मौजूद है, जो आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार मैं आपको यतेंद्र के पास लिए चलती हूँ। यतेंद्र, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री का काफिला कहाँ तक पहुंचा है? थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला यानी कि मेगा रोड शो यहाँ से पौन निकलने वाला है। जयनगर मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर प्रधानमंत्री का रोड शो अब से कुछ ही देर में निकलेगा, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है मेगा रोड शो की। आज करीब 26.5 किलोमीटर का ये रोड शो है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ हजारों लाखों की संख्या में उनके भक्त, उनके कार्यकर्ता, समर्थक यहाँ पर पहुँच गए, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और करीब 10 लाख लोगों तक पहुँचने की कोशिश है, 10 लाख लोग इसमें सहभागिता करेंगे इस पूरे रोड शो में। ये बीजेपी का टारगेट है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो जादू है वो लोगों के सर चढ़ के बोलता है। और शायद यही कारण है जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ढोल नगाड़ों के साथ जो फोक डांस है, डीजे यहाँ पर लगाया गया और लोग डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको फूल लेकर तैयार है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो फूलों की बारिश करके। बिल्कुल, सही लाइन का इस्तेमाल आपने किया है कि मोदी का जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। वो तस्वीरें हमने देखी जब रोड शो की शुरुआत हुई, पीएम जब यहाँ पर मौजूद थे तो किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने भव्य स्वागत किया पीएम का। हम अरुण के पास ले चलते हैं, अरुण भी मौजूद है। अरुण, वहाँ क्या तस्वीरें हैं? जब प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ पर शुरू हुआ, हमने देखा मोदी मोदी के नारे, फूलों से स्वागत पीएम का किया गया, वहाँ क्या तस्वीर है अरुण? देखिए रोड शो शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ आने में भी वक्त है, लेकिन अभी से देखिए यहाँ फूल लेकर के लोग तैयार हैं, फूलों से स्वागत करने के लिए तैयार हैं लोग। सबके हाथ में देखिए ये फूल है, अभी अभी से ये लोग तैयार हैं, देखिए इनके हाथों में फूल है। अरे अरे क्या कहना चाह रहा आप, अभी प्रधानमंत्री को आना है, आप लोग अभी से फूल लेके तैयार है? मोदी मोदी, फूल डालने के लिए हम तैयार है, मोदी जी के लिए, बजरंग बली के, बजरंग मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, हम सारे मोदी 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 मोदी
की बात हुई तो दूसरी तरफ बजरंग बली की बात हुई। यही वो जगह है देखिए जहां से इस रोड शो की शुरुआत हुई थी। हालांकि अब कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बार मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगी। देखिए ये जो फूलों से स्वागत किया गया है, ये बता रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए कितने लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। और अब जो आप तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि देखिए इस बार 224 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 9,17,000 वोटर जो है इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं यतेंद्र के पास लिए चलती हूँ। यतेंद्र, हम ये बात मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर है, लेकिन इसका असर चुनावों पर कितना पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर साफ तौर पर राहुल गांधी की छवि में सुधार लाने के लिए था और वो हुआ है। अनुपमा, अगर प्रधानमंत्री मोदी के जादू की बात करेंगे तो तमाम राज्य हैं, लोकसभा चुनाव है, दो कि किस तरह से जादू सर चढ़ के बोलता है और जो चुनावी जो तस्वीर है वो किस तरह से राज्यों में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वो किस तरह से बदल जाती है। और ऐसे ही अगर कर्नाटक की मैं बात करूं तो कर्नाटक में जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बागडोर कर्नाटक चुनाव की संभाली है तब से तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। और बजरंग बली भी संजीवनी बूटी लेकर प्रधान जो बीजेपी के लिए लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देख सकते हैं ये जादू है प्रधानमंत्री मोदी का, जो लोग यहाँ पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलेगा? प्रधानमंत्री मोदी का जादू मोदी अब्सोल्यूट मेजोरिटी कर्नाटक का वर्ल्ड हाईएस्ट लीडर। जादू है, पहला रोड शो है अनुपमा जो 26.5 किलोमीटर का होगा। क्या मोदी का जादू चलेगा यहाँ पर? हाँ 100% चलेगा। लेकिन इसके बावजूद दो हमलावर ड्रोन क्रेमलिन तक पहुंच गए थे। रूस का आरोप है कि पुतिन की हत्या करने के लिए ड्रोन से क्रेमलिन पर अटैक की साजिश रची गई थी। हालांकि रूसी सेना ने उन्हें वक्त रहते ही ढेर कर दिया था, लेकिन इस घटना के बाद क्रेमलिन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। कि मास्को तक किसी हमलावर ड्रोन का पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रूस के मीडिया का दावा है कि क्रेमलिन की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए पुतिन ने आसमान में खतरनाक चीलों की फौज उतार दी ताकि किसी भी तरह दुश्मन का कोई भी ड्रोन क्रेमलिन के आसपास भी न फटक सके।